तो अगर सीरीज में होगा बच्चों तो फिर आप लोग सीधे सीधे कर दोगे कि जितने भी सीरीज में लगे होंगे सभी का आप लोग करंट क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। बट एक और स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम आता है जहां पर ना वो सीरीज में होते हैं ना वो पैरेलल में होते हैं, उन परिस्थितियों में फिर आप लोग टेम्परेचर ऑफ जंक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे उसका ये एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, इसमें तीन रॉड वाला आप लोगों को आमतौर पर बुक में मिलता है, तो वाला आप लोग खुद लोग करें। तो ध्यान रखना टाइप कौन सा है, तो टाइप तो बच्चों जंक्शन टेम्परेचर निकालने वाला ही है, बट जंक्शन टेम्परेचर जब वो ऐसा लिख सकते हो व्हेन दे आर नॉट इन सीरीज एंड व्हेन दे आर नॉट इन पैरेलल, अगर इन परिस्थितियों में जंक्शन टेम्परेचर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं। अब जैसे कि मैं कह रहा था ये सेम क्वेश्चन कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये सेम क्वेश्चन रेजिस्टेंस में मिलेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वहाँ नहीं बताया बताओ बता दिया, सेम क्वेश्चन कैपेसिटेंस में मिलता है, ऐसे चार पांच जगह आप लोगों को मिलता है। तो उसको करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेथड है, वो स्टैंडर्ड मेथड क्या होती है मैं चाहूँगा आप लोगों को स्टैंडर्ड मेथड याद रखें। तो सबसे पहले क्वेश्चन का टाइप क्या, तो कहेंगे कि फोर रॉड्स आर जॉइंट सच दैट, इस तरह से ज्वाइन करते हैं और एक को नीचे से ज्वाइन करते हैं। शब्दों में कैसे बोलेंगे, वो बोलेंगे फोर रॉड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल। कल मैंने क्या सिखाया था, मटेरियल पे कौन डिपेंडेंट, थोड़ा प्रैक्टिकली फील करोगे तो ये लोहे की बना लो, ये कॉपर की बना लो, ये स्टील की बना लो, ये एल्यूमिनियम की, और एक शब्द साथ साथ आएगा आइडेंटिकल, इसका मतलब क्या होगा, आइडेंटिकल मतलब लेंथ और एरिया दोनों सेम। ये दूसरे क्वेश्चन में भी शब्द यूज कर सकते हैं कि आइडेंटिकल रॉड, तो वहां पर आप लोगों को समझना है कि लेंथ और एरिया सेम और डिफरेंट मटेरियल तो थर्मल कंडक्टिविटी आपके सामने, मतलब सभी ये चार रॉड्स का लेंथ भी सेम है मोटाई भी सेम है बट उनकी कंडक्टिविटी क्या हम लोगों की अलग अलग है। कल क्या पॉइंट पढ़े थे रिवाइज कर लो, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी वो क्या होगा, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी वो हीट को क्या करेगी। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में भी निकालना वही है जंक्शन टेम्परेचर। अब समस्या कहने को बच्चों पर, चूंकि ये चारों की चारों सीरीज में नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना लगा दिया, एक एंड पे 100 लगा दिया, 50, 20 और 10, इन चारों रॉड्स का जंक्शन पॉइंट कौन सा है, ये वाला, तो इस पॉइंट का हम लोगों को क्या करना है, टेम्परेचर निकालना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक काइंड ऑफ आप समझिए कि मेथड है जो हम लोगों को याद रखना, हालांकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने बताई थी किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल केवीएल पे अपने थोड़ी बात करी थी, किरचॉफ्स करंट लॉ जो 11th वाले बच्चे हैं वो भले ही जाने ना जाने बट सॉल्व करने का तरीका जो है वो आप लोगों को याद रखना है। तो स्टेप वन में क्या करेंगे, यही मेन बात, सब लोग अच्छे समझे, एक क्वेश्चन में तो बाकी आप करोगे देखो। तो स्टेप वन में लेट कर लें कि लेट जंक्शन, जो भी जंक्शन का टेम्परेचर है उसको क्या मान लें, डी हाईएस्ट। अभी मुझे नहीं पता वो कितना भी हो सकता है, 30, 40, 50, 100, 200, मुझे नहीं पता, बट मैंने उसको मान लिया वो हाईएस्ट टेम्परेचर। तो ये स्टेप याद रखना, लेट जंक्शन बी द हाईएस्ट एंड सारे करंट को बच्चों आप बाहर की ओर एज्यूम कर लें, जंक्शन को हाईएस्ट टेम्परेचर पे मान लो और सारे के सारे जो करंट है उसे बाहर की ओर एज्यूम कर लें। तो कैसे एज्यूम किया, तो ये फोटो आप लोग देख रहे हो, ये तो चूंकि जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है, कल कहा था उसको मैंने कह दिया टी जे, जे फॉर जंक्शन। तो आप देख सकते हो सारे करंट किधर माने, सारे करंट किधर माने, जैसे ये वाली रॉड है तो इसमें आई वन बार मान लो, एक में क्या मान लो आई टू बार, एक में आई थ्री बार, एक में आई फोर बार, मन से मान लो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। अच्छा कल के पॉइंट को अगर रिवाइज करें तो बच्चों कल मैंने सिखाया था यहाँ पर हीट चैप्टर में करंट कैसे लिखते हैं, मेन तो प्रैक्टिस उसे ही करना है, कैसे लिखते थे ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ यहाँ पे क्या बनेगा रिवाइज कर लो, डेल्टा टी बाय आर, और आर को क्या लिखा था एल अपॉन ए, रिवाइज कर लो, तो यहाँ पे करंट लिखने का फॉर्मूला है के ए डेल्टा टी अपॉन ए, उसको रिवाइज करो, वही तो चैप्टर है कंडक्शन।
जो कंडक्शन करंट लिखते हैं वो होता है कि ए डेल्टा टी अपॉन, चलिए उसको यूज करूंगा। अब देखना बच्चों अच्छे से, तो मैंने बोला पहले स्टेप में सारे करंट को भर मान ले, और अकॉर्डिंग टू द केसीएल अगर आपको याद आए करंट इलेक्ट्रिसिटी का, हम लोग क्या बोलते हैं किसी भी जंक्शन पे बाहर जाने वाले करंट बराबर क्या है अंदर आने वाले करंट। अभी 11th क्लास के बच्चों के लिए इसलिए याद रखना, पहले सारे करंट को भर मान लो और जितने भी करंट है उन सभी का सम, ये सब बाहर जाने वाले, इज इक्वल टू अंदर आने वाला कोई नहीं है बराबर जीरो। सभी बच्चे इंक्लूडिंग खासतौर पर 11th वाले बच्चे इसको याद रखें, ये स्टेप यहाँ तक आपको याद रखना कि अगर सीरीज के अलावा कहीं और जंक्शन टेम्परेचर निकालना है तो सारे करंट को बाहर मान लो, सभी का सम इज इक्वल टू क्या कर दो जीरो। बस उसके बाद की जो चीज है वो हम लोग समझ लें। अब मैंने आपको सिखाया, सब लोग अपने अपने मन से देख लो, तो ये वाला करंट कौन सा था, I1। देखो बच्चों अब सबकी लेंथ कितनी लोगे, L, और सबका एरिया A। इस करंट को हम लोगों ने कितना लिखा, I2, I3, और यहाँ पर सबका लेंथ और एरिया सेम लेना। अब सब लोग अपने अपने मन से जो बोल रहा हूँ काम मन ही मन कर लो, सुनो I1 की वैल्यू सब लोग मन में सोच लो, देख लो आप लोग लिख पा रहे हो क्या I1 की वैल्यू। फॉर्मूला है कि ए डेल्टा टी बाय एल, और ये पॉइंट क्या जंक्शन को किस पे मानोगे, क्यों, क्योंकि बच्चों कल मैंने क्या सिखाया था, जब करंट में आप लिखोगे के ए डेल्टा टी बाय एल तो वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, और डिफरेंस हमेशा कैसे लिखेंगे, बड़ा माइनस छोटा, क्योंकि करंट हमेशा किधर फ्लो होगा, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैंने इस वाले टेम्परेचर को टीजे को कैसा मान लिया, हाईएस्ट। अब सब लोगों ने सोच लिया आई वन, श्रोति बताओ ये आई वन कितना हो, सब लोग लिखिए, मतलब लिख ले, हाँ लिख भी लो पकड़, हाँ अपॉन एल, ठीक है बैठो बढ़िया। तो इस रॉड से करंट कैसे लिखेंगे, तो इस रॉड की कंडक्टिविटी देखना, तो 2k ब्रैकेट लेना एरिया, अब डेल्टा टी में तो हाईएस्ट इसको माना है ना, तो ये माइनस ये यहाँ कितना लगा है, इस रोड का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 50, तो बस इसकी कंडक्टिविटी कितनी है के ए डेल्टा टी कितना होगा टी जे माइनस 50। सब लोग कर लो काम, तो के ए Tj minus 50 upon L plus hard। तुम बताओ I3। तो ये वाला कितना है 20। इसको highest मानना main बात बस है, बड़ा minus छोटा by L plus। तुम बताओ साक्षी, पर ये पैक कर देती हूँ क्या करूँ, आई को कितना होगा बराबर कितना है, हाँ सब लोग लिख ले, हाँ लिख ले सभी ने। बस अब इसके बाद थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, देखो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व में देख लो एक बार, ऊपर एक बार देख लो, सब लोगों ने करंट लिखना सीख लिया क्या बच्चों, के ए बाय एल सब में है, देखो तो ये के ए बाय क्या होगा इक्वल टू जीरो से क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ बचेंगे क्या क्या, एक बार देख लो यहाँ क्या बचेगा, टू, एक स्टेप कहूंगा देखो डायरेक्ट ऊपर देखना सब लोग, एक स्टेप कर रहा हूँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, अंदर देख लो अच्छे से, तो एक स्टेप कहेंगे तो क्या बनेगा टू टी जे माइनस 200, और इधर इधर तो पूछेंगे बनी बचा तो प्लस कितना आ जाएगा tj माइनस 50, इधर प्लस tj माइनस 80, सब लोगों को कैलकुलेशन ओरल करना है, तो 4 tj माइनस 80 माइनस 80, ठीक है, और इधर से 3 tj माइनस 40 और इस इक्वल टू क्या 0, नीचे काउंट कर लो कितने हैं 3 7 8 और 2 10, नीचे इधर से देख लो 200, 250, 330, 360 इक्वल टू 360 कैंसिल हो जाएगा, 36, 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
अब इसमें फाइनल कंक्लूजन क्या होगा वो भी लेंगे। चलो बेटा ये उसका तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टाइप है, इसके मैं और फोटो बनाऊंगा। इसमें बस ये पहली स्टेप याद रखनी होती है, पहली बात कुछ भी नहीं आना कि रेजोल्यूशन ये। अब हमको पता तो नहीं कौन सा हाईएस्ट है तो वहाँ लेट कर लिया कि बीच वाला ही हाईएस्ट है, हालांकि निकलेगा नहीं वो कभी हाईएस्ट, बट लेट कर लेते हैं। हाँ बोलो। अरे टेम्परेचर बाहर रिज्यूम नहीं करेंगे, करंट बाहर सारे करंट सारी हीट करंट को बाहर की ओर रिज्यूम कर लो, जंक्शन से बाहर की ओर, फिर सभी का सम जीरो करो। यहाँ तक की स्टेप याद रखनी, इसमें दिमाग नहीं लगाना, यहाँ तक जंक्शन को हाईएस्ट पे मानो, अच्छे से लिख लेना, सारे करंट को बाहर एज्यूम करो और सभी का सम इज इक्वल टू जीरो करो। यहाँ तक की बात बेटा आप लोगों को याद रखना, उसके बाद फिर समझने का काम। ऐसा क्यों उस पर बताऊंगा कारण, उसके आंसर से कुछ बात मिलेगी। ये आंसर लिख लो पहले सब लोग, सब लोग जल्दी लिखो। देखिए हालांकि आप लोगों को फिर से बताएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी पहला चैप्टर हो सकता है, किसने बोला? देख लिया? चलो अब इसके बाद में देखो बच्चों, समय ऊपर देखो। ये तो जो हम लोगों ने पहली स्टेप में किया था, देखो भाई ये तो क्या, लेट द जंक्शन बी हाईएस्ट, लेट मतलब ये तो हम लोगों ने क्या किया था, माना। अब जो माना था वो सही भी हो सकता है, जो माना था वो गलत भी हो सकता है, चेक कर लेते हैं। तो फाइनली स्टेट क्या है देखना, फाइनली इधर कितना लगा है 100, यहाँ पे 50 20, और इधर इससे जो जंक्शन का टेम्परेचर है सॉल्व करके वो कितना है? 36. क्या 36 हाईएस्ट है? नहीं। 36 से बड़ा भी कितना? 50. और इससे बड़ा भी कितना? 100. जो भी आंसर आया देखो, दिस इज द 36 डिग्री सेल्सियस। अब ये सही, मतलब जो करंट की डायरेक्शन हमने मानी थी, हो सकता है वो सारी करंट की डायरेक्शन सही नहीं, फिर समझो। तो आंसर सॉल्व करने के लिए पहली स्टेप में हम सबको हाईएस्ट मानते हैं और सारे करंट बाहर के मानते, बट सही डायरेक्शन हमको सॉल्व करने के बाद में ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। तो अब बताओ इस वाली राउंड में करंट किधर फ्लो होगा? करंट कोई भेदभाव नहीं करता, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। पहले जंक्शन को ही हाईएस्ट माना था हमने, इसीलिए सारे करंट को किधर मान लिया? इस सेम मेथड करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी फॉलो करना है, पहले मन से मान लेते हैं और बाद में ऑटोमेटिकली डायरेक्शन चेक कर लेते हैं कौन कौन सा डायरेक्शन हमने सही मानी और कौन सा डायरेक्शन ने गलत माना। तो ये वाली रॉड जो है बच्चों देखो इसमें, तो अब इसमें हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा? ये वाला। तो अब जो इसमें करंट होगा वो किधर जाएगा? इधर की ओर। इसका करंट लिखा कितना था? आई वन, ये आई वन की डायरेक्शन। इस वाली रॉड में हायर कौन सा है? बाहर के अंदर। तो 50 से अंदर, तो इस वाले में आई टू भी किधर जाएगा? अंदर। इस वाले में 36 सही है, ये कौन सा माना था? देखो आई थ्री, और इसमें भी क्या होगा? तो कौन सा करंट सही माने अपन ने? देख लो मतलब ये वाले जो हमने माने थे वो एक्चुअल में भी किधर जा रहे हैं? बाहर। ये वाले दोनों जो है वो हमने गलत माने, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं कि पहली स्टेप में याद रखना सबको हाईएस्ट मान लो, सारे करंट को बाहर की ओर मान लो, सबका सम जीरो है, वहां से जंक्शन मिल जाएगा ऑटोमेटिकली आपके नाम पे साइड करना। चलो एक और देख लो फिर, अब इसमें ऐसा तो बना दिया, पूजा मैडम घर में लगवा दिया आपने हमको, बोली क्यों नहीं मुझे कब फोन करना भूल गया मैं, अभी याद आ रहा है।
चलो फिर फटाफट ये कर लो। सब लोग करो, आपके लिए भी आए। चौहान सर को बोलूंगा एक चीज यार, यहाँ पंखे लगवा वो वाले, वो वाले पंखा कितने वो दीवार में है, वो आवाज नहीं करते बिल्कुल। अच्छे आ रहे हैं वो, अच्छे रहे वो भी, आवाज अच्छे रहे नहीं नहीं रहे पुराने रहे तो भी नहीं, पुराने नहीं अच्छे प्लास्टिक वाले जो नए वहां पर एलएन में एसी तो होते थे बहुत सारे, पर एक मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है वहां पर्सनल पंखा रहता बोर्ड के जस्ट वहां पर, अपने हिसाब से वो धान की आती लस्सी और लस्सी खींच के उसमें अच्छा है कि हल्की हल्की हवा वो मुंह पे डायरेक्ट देते रहता अपना। साक्षी जाधव तुम तो क्रैश कोर्स के बन गए हो पूरी तरीके से, तो अगर क्रैश कोर्स में आओगे हमेशा की 11th में आओगे, 11th में आओगे, 11th में कैसे आ पाओगे, खत्म हो जाएगा। अच्छा ऐसा नहीं, पर मेडिकल प्रोफेशनल की अगर मैं देखूं, हालांकि मैं पढ़ा था इसलिए नहीं कह रहा मैं, पर मैंने देखा यहाँ बच्चों के लिए बहुत फैसिलिटी है, बहुत लीनियंट सिस्टम, ये चौहान सर की मतलब तारीफ करता हूँ, इतनी जगह में पढ़ा इतना लीनियंट सिस्टम कहीं नहीं होता, इतना स्टूडेंट फ्रेंडली, आप लोग को इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं, तुम लोग को चलो इधर आ जाओ, चलो ये बैकअप कर लो, चलो ये बैकअप करा देते हैं, ये अरे बाहर कोई पूछता नहीं भाई, जिस बैच में उस बैच का छोटा उसके बाद मजे लो, आना हो तो आओ, यहाँ सर की बहुत खास बात है, कितनी लीनियंस, चलो ठीक है यहाँ आ जाओ, क्रैश कोर्स में डेली टेस्ट हो रहे हैं, क्रैश कोर्स में डिस्कशन हो रहे हैं, हम लोग हमारे क्रैश कोर्स के बच्चों को देखते भी नहीं थे, क्लास में घुसे उसके बाद जैसे वो खुद भी बाहर आके, यहाँ आप लोग बहुत सिंसियरली काम कर रहे हैं, इस बात की आप लोगों की भी तारीफ करता हूँ मैं। बताओ क्या खिलाओगे, आंसर तुमको कैसा नाम सही, मेरे को तो आंसर पता ही नहीं लगता है, कितना 61 ठीक है, मतलब 60 के रेंज में, बाकी लोग क्या कहते हो, कितने टाइम में बर्फ पिघलेगी, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन टाइप, हाउ मच अमाउंट ऑफ आइस मेल्टिंग पर मिनट, मिनट लिखिए बेटा, आप वाला कितना जरा सोती कितना आंसर आया,
60 आ रहा है सबको क्या? 61.5 चलो बेटा काम करो तुम बोर्ड पे सॉल्व करते हो सर मेरा नहीं आ रहा 60 के आसपास मेरा 57 सारे करण वहां मान लो तो I1 + I2 + I3 ध्यान से देखना I1 I2 किस में माना गया तो ये कर लो या इसका के ले लिया उसका ले लिया सिस्टमेटिक तरीके से देखो I1 मैंने इसमें माना देखो बच्चों I1 मैंने इसमें माना तो अब इसी का के लेंगे सारे डायमेंशन तो फॉर्मूला सबको रिवाइज हो गया डायरेक्ट लिख दो तो I1 कितना होगा के एरिया कितना है 2a l कितना है l और डेल्टा टी कितना है j - 20 + इसका 2k ओके एरिया कितना है a / l j - 100 और इसका 3k a / 12 j - 0 और इसको सॉल्व कर लो k और l का और फिर 2 का एलसीएम ले लेते हैं अरे भाई वो तो कर ही देंगे रे वो तो कर ही देंगे सर अभी करके बता दो अरे दो सबका आंसर अलग आ रहा है सबका आंसर अलग आ रहा है मैंने एक मिनट हेलो भाई आज लग रहा है 100 सुनो प्लस 3/2 tj - 50 बराबर कितना आंसर सही है हां यहाँ तक इक्वेशन हाँ तो टू इधर ले लो तो इसमें 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें 4 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई कर दो तो 4tj - 80 660 ऊपर दो 60 आता उससे कम ही है चलो कौन भाव कौन लग क्या बेटा मत करो ये सवाल दिख रहा सीधा बहुत भयंकर आदमी है मारा कुटी करते तुम सब लोग को मारा है एक संग 5-6 लोगों को देखो इधर इसको डाल लो लिख लिया नहीं जल्दी लिखो पाराकोटी करना भी गलत काम है यार मैंने मेरी जिंदगी में मुझे लगता है लगभग ऐसे कोई काम नहीं होंगे जो नहीं किया होंगे शायद सिर्फ पाराकोटी मारा आज तक किसी को ना किसी ने मुझे मारा ना मैंने किसी को मारा हाँ घर वालों को मार दिया बहन बहन को मार दिया कभी भाइयों को धो दिया अपने वालों को धो दिया है उसको कंसिडर नहीं करते बाहर नहीं यार नहीं नहीं एक बार मारा था बचपन में एक लड़के को एक ने मतलब 10वीं क्लास के आदमी होगा तो भैया थे मेरे साथ में उन्होंने बोला मार इसको उसने रुका लिया कि मैं मार दूंगा मैं बोला मारते मैं देख लूंगा मैं ठीक है जाते से मैंने उसको चक्कर मार दिया और नाक में से फोन आ गया उसे अब क्या मैंने बाद में आप देख लेता बाकी तो नहीं मारा कभी कोशिश रंजीत सर मारा बोली मैं हाँ वो बताते ही रहते हैं दिखते सी है रंजीत सर को हल्का बोला मारा कोटी वाला मामला नहीं है वो बड़ा मामला है
वो तो गोली वोली चला देना विधायक के लड़के गोली चली थी उन्होंने विधायक के लड़के में गोली चली थी उन्होंने कॉलेज में बहुत चला सर एक्चुअली वो यूपी ऊपर की नोएडा के उधर के लोग अम्मा से बोलते वो ऐसा बताते हैं सर कि हमारे साथ सर 200 लोग हमेशा रहते थे मेरे साथ में और 12th क्लास से वो गोलियां चलाते थे 12th क्लास में गोली चलाए थे उस समय तो बंदूक रखते थे और सर का एटीट्यूड भी है सर सर लगता लगता नहीं कि मैं मार रहा हूँ देखो सर चलो देखो ये भी एक टाइप है नीट में तो शायद कभी यहाँ तक के क्वेश्चन तो मिलेंगे आपको एक ये देख लो ये बुक्स में जरूर मिलता है टाइप क्या है चूंकि प्रैक्टिकल साउंड होता है तो इसको मैं आपको समझा भी सकता हूँ देखो बर्फ पिघलने का कॉन्सेप्ट क्या है जैसे कि बच्चों अगली बार मैं सोचता हूँ एक पॉसिबल नहीं यार एक एक्टिविटी रूम बनाओ एक एक्टिविटी रूम बनाए अगर थोड़ा चौहान सर सपोर्ट करे और थोड़ा मैं टाइम निकालूं तो मुझे लगता है कि एक्टिविटी रूम बनाना चाहिए एक्टिविटी मतलब जितने टाइप के क्वेश्चन अपन स्टैंडर्ड पढ़ते हैं उन सब के काफ़ी सारों को प्रैक्टिकली अपन एक बार करके बताएं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं कि इसमें कुछ ही नहीं करते और वैसे ये कंडक्शन है तो कंडक्शन का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बिल्कुल सही हो सकता है जैसे क्या तो एक तरफ मैंने रख दिया बॉइलिंग वाटर मतलब हाई टेम्परेचर तो दो बॉक्स ले लो एक बॉक्स में पानी को बिल्कुल गर्म करके उबलता हुआ पानी रख दो और दूसरे वाले बॉक्स में हम लोगों ने क्या रख दिया आइस जो कि कितने पे है जीरो डिग्री सेल्सियस जैसा कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कंडक्शन हम लोग जानते हैं जो करंट होता है जो हीट होती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है जैसा कि चैप्टर की शुरुआत में कहा अगर कोई मीडियम के थ्रू फ्लो हो रही रॉड बॉल के थ्रू तो उसको कंडक्शन कहेंगे और बिना मीडियम के हो रही तो रेडिएशन तो प्रैक्टिकल थॉट उन्होंने क्या किया तो प्रैक्टिकल थॉट उन्होंने ऐसा किया कि इस बॉक्स सुनो और ये वाले जो आइस का बॉक्स है उन दोनों को एक मेटल की रॉड से वही कह रहा हूँ जैसे मेरे पास तो मेटल नहीं है बट इस पेन को आप समझ लीजिए मेटल की रॉड तो एक मेटल की लोहे की रॉड या कॉपर या एल्यूमिनियम जो अच्छे से अच्छा कंडक्टर हो उसको लीजिए और उसको इन दोनों के बीच में ऐसा कनेक्ट कर दीजिए मतलब तो एक सिरे को क्या कर दीजिए पानी में घुसर दीजिए यहाँ फेविक्विक लगा ताकि पानी भर ना और दूसरा सिरा जो है उसको कहाँ पर रख दीजिए इस बर्फ के साथ आप क्या कर दीजिए कॉन्टेक्ट सवाल ये क्या बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाए अब आप बोलोगे सर बाहर की गर्मी भी तो है इसको पूरा इसको आइसोलेट कर दो इंसुलेटेड कर दो पूरा इसको और इसको भी पूरा क्या कर दो इंसुलेटेड ताकि क्या ये हीट बाहर ना जा सके और बाहर से हीट ना आ सके समझो तो एक तरफ है बॉइलिंग वाटर और एक तरफ क्या है आइस इन दोनों बॉक्स को हमने एक मेटल की रॉड से जोड़ दिया यहाँ से आपको सही मायनों में मतलब समझ में आएगा कंडक्शन मेरा सवाल ये क्या बर्फ पिघलेगा क्या क्या लगता है आपको थोड़ा टाइम बाद देखो अगर एक दो मिनट बाद तो कुछ बर्फ पिघलता मिलेगा क्या क्यों मिलेगा ये तो समझ दो कि बर्फ को पिघलने के लिए हीट चाहिए कहीं से भी आए अब क्या होगा भाई कॉन्सेप्ट जब कोई रॉड के दोनों एंड पे क्या लगा दोगे टेम्परेचर डिफरेंस लगा दोगे जैसे मैंने बोला ना हाथ काटने का दूसरा तरीका क्या था एक तो ये है दूसरा तरीका क्या था रॉड को पकड़ लो तो उससे भी तो क्या हुआ कि हीट क्या हो गई वहां से ट्रांसफर तो यहाँ पर भी बच्चों ऐसा कि बॉइलिंग वाटर मतलब हायर टेम्परेचर तो जैसे ही इस रॉड को इन दोनों बॉक्सेस से कनेक्ट कर दोगे हीट जो हीट बोलो या हीट करंट बोलो एक ही बात हीट जो है वो बॉइलिंग वाटर से क्या होगी बच्चों फ्लो किसके में मीडियम से फ्लो तो यहाँ पे क्या हुआ कंडक्शन हुआ कि रेडिएशन हुआ क्यों मीडियम तो इस रॉड से होते हुए जो हीट है वो किधर चली जाएगी दूसरे वाले बॉक्स अब दूसरे वाले बॉक्स को अगर हीट मिल जाएगी तो यहाँ तो क्या बस बस क्या होगा पिघलना सब ये कॉन्सेप्ट होता है मेल्टिंग ऑफ आइस वाया विद द हेल्प ऑफ व्हाट कंडक्शन तो ये आप लोग जुगाड़ हम लोग बना भी सकते हैं तो बहुत बड़ा सेटअप नहीं है पानी चाहिए बर्फ चाहिए छोटी सी रॉड को इसे भी लगा दो तो सवाल ये पूछेंगे कितने टाइम में कितनी बर्फ पिघलेगी ये क्वेश्चन आए कि चलो बताओ एक मिनट में कितनी पिघल जाएगी पांच मिनट में कितनी पिघल जाएगी
तो कोई नई बात नहीं है, सिंपल सी बात है, हम लोगों को करंट लिखना है, तो करंट लिखने का फॉर्मूला तो है अपने पास में के ए डेल्टा डी बाय एफ। डेल्टा डी कितना लिखोगे? 100 माइनस 0। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी की मैंने वैल्यू दे दी बच्चों, वहां पे भी दी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, देख लो। तो के की वैल्यू 2 ले लो, एल की वैल्यू 2 और एरिया की वैल्यू ये। अब सवाल एक और चीज सीखनी है, वो ये कि ये मैंने पिक्चर क्या करी। तो कल मैं आप लोगों को कंपैरिजन सिखा रहा था, जहां मैंने कंडक्शन इनका कंपैरिजन लिखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वहीं पर बच्चों एक कंपैरिजन आप लोग और लिख लेना। वो कंपैरिजन क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को नॉर्मली क्या कहते हैं, ये क्या है बचपन से पढ़ते हैं भाई, इलेक्ट्रिक करंट, करंट क्या होता है, रेट ऑफ लोअर चार्ज, तो उसको क्या लिखते हैं, चार्ज अपॉन टाइम। ये कौन सा करंट है? तो जो थर्मल करंट या जो हीट करंट होता है, कुछ नहीं, देखो ध्यान सुनो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज डिफरेंस होने के कारण, कल जो हम लोग कह रहे थे कि वोल्टेज डिफरेंस होने के कारण वहां चार्जेस फ्लो होते हैं। कंपैरिजन क्या है, यहां पर वोल्टेज की जगह क्या होता है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से क्या होती है, हीट। ये फर्क है, क्या फर्क है, वहां पर कौन फ्लो होता है, चार्ज, यहाँ पर हीट। तो चार्ज का कंपैरिजन हीट से करते हैं, तो ये होगा कैपिटल क्यू बाय टी, स्मॉल क्या, स्मॉल क्यू किसके लिए, चार्ज अपॉन टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे कंपेयर करना। तो यहाँ पर अगर हीट डिवाइडेड बाय टाइम है तो इसको हीट करंट लिख सकते हैं। मतलब बच्चों हीट करंट के दो फॉर्मूले हो गए, कौन कौन सा, एक ही हो गया हीट के टर्म्स में और दूसरा क्या होगा, तो ये टेम्परेचर के टर्म्स में और ये किसके टर्म्स में। अब देख लो, अब मुझे लगता समझ में आ जाएगा, इसलिए देखो। तो इस रोड से फ्लो होने वाला जो करंट है वो कितना है, के ए डेल्टा टी बाय, इसी हीट करंट को लिख दीजिए हीट डिवाइडेड बाय टाइम। एक और सवाल मेरा सुनो, जो हीट यहाँ से फ्लो होके आ रही है बच्चों, जो हीट यहाँ से, ध्यान से देखना और आप बताना सब लोग, जो हीट यहाँ से फ्लो होके आ रही है, जो किसको मिल रही है, बर्फ को, वो हीट क्या कर रही है, वो हीट क्या कर रही है, आइस को। अब फिर कहीं भी मैं हीट सुनता हूँ, मे बी जैसे मेरे दिमाग में हीट पड़ता है, सबसे पहले मेरे दिमाग में दो शब्द आ जाते हैं, क्या स्पेसिफिक लू की लेटेंट लू, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हीट कौन सी लेटेंट, क्यों, और उसमें भी तो ये कॉन्सेप्ट कि पहले दोनों के एंड पे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किया, उस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट करंट फ्लो हो गया। वो जो हीट करंट यहाँ पे आ रहा है वो चूंकि बर्फ को पिघला रहा है, तो ये नहीं लिखा, तो इस क्यू की जगह हम लोगों ने लिख दिया एम एल एफ बाय टी बराबर के ए डेल्टा टी बाय एफ। बस बाकी सबकी वैल्यू रख दो, बाकी सबकी वैल्यू लिख दो। यहाँ पे मैंने क्या पूछा है, हाउ मच अमाउंट, मतलब हाउ मच अमाउंट, अमाउंट किसी चीज का निकालना, मतलब क्या निकालना बेटा, मास निकालना, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ आइस विल मेल्ट इन, कितना, तो एक मिनट में कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी, तो अमाउंट पूछा है एम। अब सबके वैल्यूज देख लो, तो एम कैलकुलेट करना है बच्चों, एलएफ कितना हो, बट यूनिट क्या होती है, कैलोरी पर टाइम, कितना है, वन मिनट, मतलब कितना बराबर, की कितना दिया, टू, एरिया सेंटीमीटर में ही चले, माइनस डेल्टा टी कितना है, जीरो, और एल कितना है, 2 मीटर। अच्छा ये भी कैलोरी में नहीं, स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो जूल है,